सुल्तानपुर में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने पद से दिया इस्तीफा। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे सुब्रत सिंह सनी को पद से हटाकर उनके स्थान पर वरुण मिश्रा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारियों को अपना इस्तीफा सौंपा। कांग्रेस का वर्कर कहे जाने पर भी भड़के कार्यकर्ता, कहा कि लोकतंत्र में लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है। हम सब इस निर्णय से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है और हमें इससे दुख हुआ पहुँचा है। हम उनकी बात को वहाँ तक अध्यक्ष जी के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करें। सुल्तानपुर के घोसियाना वार्ड में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सुल्तानपुर जनपद के लगभग सभी टीमों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन के अवसर पर घोसियाना मोहल्ले के सम्मानित लोग मौजूद रहे और इसके उद्घाटन मुख्य रूप से RTI जिला चेयरमैन हाजी मोहम्मद जमा खान के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी सुल्तानपुर के द्वारा पूरे नगर में पदयात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस पर वरिष्ठ कांग्रेसी जनों को सम्मानित भी किया गया। इसमें कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हुए, कांग्रेस के सिद्धांतों को बताते हुए, कांग्रेस के नेताओं को जनता जनार्दन में बताते हुए हम लोगों ने पदयात्राएं की। सुल्तानपुर के बलदीरा क्षेत्र के भवानीगढ़ में भीषण हादसा। डंपर की चपेट में आने से एक सांड और एक युवक की दबकर हुई मौत। ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर पलटा डंपर। बलदीरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की कार्यवाही। अमेठी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस आज जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंगल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण करके बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान किसानों के समर्थन में गौरीगंज से 5 किलोमीटर किसान संदेश पैदल यात्रा निकाली गई। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। संगठन दिवस है जिसको हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और इसमें हम सब लोग इकट्ठा होकर के पद यात्रा कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने 3 कानून किसान के बिल लागू किए हैं उनको वापस किया जाए। अमेठी में हाड़ कपाने वाली ठंड में कलयुगी माँ का क्रूरता वाला चेहरा देखने को मिला है। सुबह अपने कुकर्म को छुपाने के लिए कलयुगी माँ 5 माह के नवजात को झाड़ियों में फेंक कर चलती बनी। करीब 2 घंटे तक दुधमुहा बच्चा ठंड में पड़ा रहा। ग्रामीण महिलाएं उधर पहुंची और बच्चे को आवाज सुनकर उठाया। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और गांव की ही एक महिला ने उसका लालन पालन शुरू कर दिया है। अमेठी जिले के गौरीगंज थाना अंतर्गत नंदा कपूरवा गाँव का मामला है। महिलाओं ने पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी है। अमेठी में नोडल अधिकारी मोनिका एस गर्ग ने गौरीगंज विपणन धान क्रय केंद्र व जामो स्थित धान क्रय केंद्र का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने धान खरीद बढ़ाने, टोकन के क्रम में खरीद करने व समय से किसानों का भुगतान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। अमेठी नोडल अधिकारी मोनिका एस गर्ग ने गौरीगंज तहसील के भड़गवां गांव स्थित गो आश्रय स्थल केंद्र का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान गो आश्रय पर मौजूद गायों के सुरक्षा, ठंड से बचाव व टीकाकरण, नियमित देखरेख व चारे की भरपूर मात्रा में उपलब्धि को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिया उचित दिशा निर्देश। नोडल अधिकारी ने स्वयं अपने हाथों से गायों को खिलाया हरा चारा। अमेठी नोडल अधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुंशीगंज के HL कोरवा में हुई बैठक। बैठक के दौरान नोडल अधिकारी ने जिले में हो रही धान खरीद, COVID-19 व उसके वैक्सीनेशन, गोवंश आश्रय स्थल, विद्युत की उपलब्धता, जन समस्याओं विशेषकर और किसानों की समस्याओं, सिंचाई नहरों में पानी की उपलब्धता तथा पुलिस से संबंधित सभी शिकायती बिंदुओं पर की समीक्षा। बैठक के उपरांत नोडल अधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सुल्तानपुर पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना कोतवाली नगर द्वारा 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। लंबा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त, थाना करौंदी काले द्वारा भी एक वांछित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार। 220 लोगों के विरुद्ध मास्क न लगाए जाने के संबंध में ₹22,000 का चालान वसूला गया। 14 व्यक्तियों का अलग अलग प्रकरण में शांति व्यवस्था भंग करने के संबंध में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। सुल्तानपुर शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी ने मंडी समिति अमाट में संचालित धान क्रय केंद्रों पर की जा रही धान क्रय संबंधी समीक्षा बैठक करने के पश्चात धान क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी क्रय केंद्रों पर नपी मानक यंत्र, काटा, पावर, विनोइंग मशीन, जनरेटर आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए। सुल्तानपुर में नोडल अधिकारी रेणुका कुमार द्वारा L2 COVID-19 हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर अमाट का निरीक्षण किया गया। उन्होंने COVID-19 वैक्सीन,
कोल्ड चैन स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोल्ड चैन स्टोर आदि के विषय में जानकारी ली और अब तक की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया गया। अमेठी पुलिस का सराहनीय कार्य, दुष्कर्म के अभियोग से वांछित अभियुक्त थाना अमेठी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अम्बेडकर तिराहा से हुई अभियुक्त की गिरफ्तारी, पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के झवहारा गांव में हुई आगजनी का मामला, 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के खिलाफ परिजन पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। महिला क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन देकर मेडिकल के आधार पर कार्यवाही की उठी मांग। जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में 2 दिन पूर्व हुआ था बवाल। दर्जनों की संख्या में पुलिस अधीक्षक के मुख्य गेट पर जमा हुए प्रदर्शनकारी। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।